तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी महिंद्रा XUV 300 के बारे में, फेसलिफ्ट 2024, जो कि अपकमिंग गाड़ी है अपनी 2024 में। और ये जो जहाँ तक है अपनी लॉन्च हो जाएगी 2024 मिड में। तो उसके कुछ वीडियो और फोटोज़ जो हैं अपने वायरल हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं उसको आपको बताने वाला हूँ कि अपने क्या क्या उसके फीचर्स उसमें आ रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्या चीज़ें अपग्रेड करी गई हैं। तो यही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये गाड़ी है काफ़ी पॉपुलर है देखा जाए तो। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे अपना इस गाड़ी की अपनी रोड प्रेजेंस से। तो भाई, रोड प्रेजेंस तो उसकी क्या ही कमाल लग रही है। आप साइड में देख सकते हैं, इसमें आगे इग्निस खड़ी है और अपनी ग्रैंड i10 भी खड़ी है इस वीडियो में, साथ में अपनी स्विफ्ट भी खड़ी होगी। उन सबसे इसकी रोड प्रेजेंस कितनी ज़्यादा बल्की लग रही है। यहाँ पर आपको नैनो भी दिख रही होगी अपनी रोड पे। उसके सामने अगर हम देखें तो क्या ही इसकी ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस जो है अपनी दिखने लग रही है। तो क्या ही गजब का इसका मैं आपको रोड प्रेजेंस आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार इसकी रोड प्रेजेंस लग रही है। बलेरो से आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे थोड़ी सी छोटी लग रही है, लेकिन उसके बावजूद इस सेगमेंट में अपनी बहुत ही शानदार लग रही है। ये जो अपनी गाड़ी है अपनी 4 मीटर के अंदर आती है। उसके साथ आपको इसकी लेंथ तो नहीं, लेकिन इसकी जो हाइट है वो आपको पूरा XUV वाला एक फील देने वाली है, जो कि एक ज़बरदस्त बात है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिल जाएगी, इसमें जो अपना टायर है उसके जो बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि अपनी गाड़ी जो है लोडेड है। इसके साथ साथ अपना आपको जो है एक एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि वही अपना नॉर्मल एंटीना आइडेंटिटी वाला। उसके साथ अगर इसमें अपना, तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो अपने टायर साइज़ रहने वाला है अपना 16 इंची या फिर 17 इंची के बीच में रहने वाला है। और जो अपना इसमें मिल रहा है अपना डायमंड कट एलॉय व्हील भी हमको इसमें मिलने देखने के लिए मिल रहा है। स्टार्टिंग में हमको सी शेप्ड अपनी LED DRLs मिल रही हैं, और अपना जो है हेडलैम्प्स और जो अपनी ग्रिल है, बम्पर है, ये सब फिर से अपना रिफ्रेश एकदम नया तरीके से उन्होंने बनाया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन इसमें दिख रहा है। हम गाड़ी के पीछे से अगर लुक देखते हैं तो इसमें सीधा सीधा हमको एक सिंपल सी अपनी कनेक्टेड टेल लैम्प दिख जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगने वाले हैं रात में। और साथ में इसका बूट स्पेस की हम बात करेंगे, प्लस इस ये जो रहने वाला है ये टॉप मॉडल आपको उस फोटो में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें आपको एक बैक वाइपर भी इसमें दिखाई देगा। बात करें हम गाड़ी के इंटीरियर की, तो इसमें अपना 7 इंची का अपना जो है एंड्रॉयड सिस्टम हमको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस ये जो है मैनुअल वेरिएंट है, इसके साथ में आपको इसमें एक पैनोरामिक सनरूफ का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ये जो अपनी गाड़ी है ये आने वाली है अपनी 5-स्टार रेटिंग के साथ, और अपने इसमें होंगे 6 एयरबैग्स। बूट स्पेस की बात करूं तो बहुत ही शानदार इस बार हमको इसमें बूट स्पेस मिलने वाला है। तो भाई मस्त बेस ट्यूब रखो शानदार तरीके से, इसमें कुछ भी भर के ले जाओ भाई। भाई ये जो अपनी गाड़ी है अपनी इंडिया की सेफेस्ट कार में से एक रहने वाली है, क्योंकि जो अपनी 5-स्टार इसको रेटिंग मिली है ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में। उसके साथ में आपको और फीचर्स भी इसके बता देता हूँ। उसमें मिलने वाला है अपने साथ में हिल होल्ड असिस्ट मिलने वाला है, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP जिसको हम बोल देते हैं, और अपनी साथ में ये आने वाली है 4 डिस्क ब्रेक्स के साथ। तो भाई इतना सब कुछ इस गाड़ी में हमको मिलने वाला है। तो भाई एक प्रॉपर एक SUV का आपको जो फील देगी सेफ्टी के साथ, बहुत ही शानदार गाड़ी ये आने वाली है। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो उसमें ये अपना मैनुअल रहने वाला है ये वाला वेरिएंट। इसके बाद जो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा उसमें वो जो है अपना वो रहने वाला है ऑटोमेटिक। तो उसमें आप सीधा सीधा एक सनरूफ भी देख रहे होंगे। ये जो फ़ोटो दिख रही है ये अपना ऑटोमेटिक वेरिएंट है, और अपना इसमें अपना क्रूज़ कंट्रोल से लेके आपको सारी चीज़ें जो है आपको मिलने वाली है, बहुत ही शानदार। आप स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो वो अपना वही वाला रहने वाला है, बस सम मतलब कुछ उसके टचेस हैं लेदर जो आपको दिख रहा होगा, एक लेदर फिनिश आपको दिख रहा है करके, ये चीज़ कुछ जो है अपनी अलग दिखने वाली है इस बार इसके स्टेयरिंग व्हील पर। इसमें आपको अपना एक आर्म रेस्ट भी दिख जाएगा, जो कि हमको आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लगवाना पड़ता है। तो आप भाई देख सकते हैं इसमें इतने सारे आपको फीचर्स एक साथ, एक फीचर्स का एक पूरा पैक मिल रहा है एक साथ। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, इसमें ये जो अपनी गाड़ी है वो काफ़ी हमको बल्कि दिख रही है, और साथ में हमको ना इसमें अपना एक एयर इनटेक भी हमको दिखने वाला है, जैसे हमको स्कॉर्पियो में दिखता है वैसा ही सेम हमको इसमें भी दिखने वाला है।
तो कैसी लगी महिंद्रा XUV300 की आपको याली वीडियो, उसके अपडेट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद और राम राम।